ये वीडियो एक सूचना है आप सबके लिए। एक भाई व्हाट्सएप पर आए थे मेरी, वो मुझसे बहुत गुस्सा थे, वो रो भी रहे थे, और उससे पहले एक भाई और आए थे, उन्होंने मुझे गालियां भी दी। अब क्यों दी ये सुन लो। और उन भाइयों से मैं खास कर कहना चाहता हूं जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पर हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से समझना। तो जो मैंने अभी दो भाइयों के बारे में बताया कि एक भाई ने रो रोकर बताया और एक ने मुझे गाली देकर बताया, वो भाई मुझसे कह रहे थे कि तुमने मेरे सच्चे प्यार को तबाह कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। और कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो कमेंट में मुझे दो तीन बार उन्होंने ये कमेंट लिखी थी कि मैं शादी के विरुद्ध हूं, और यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं शादी के और सच्चे प्यार के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं हूं। देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें सच्चा प्यार हो जाता है तो तुम्हें मुझ जैसे की वीडियो देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि वासना तुम्हारे अंदर फिर भूल कर भी नहीं उठ पाएगी। एक वीडियो में मैंने कहा है कि जिस इंसान में प्यार की मात्रा बढ़ती है उसमें वासना खत्म हो जाती है, और जिस इंसान में प्यार खत्म हो जाता है तब वो वासना की तरफ जाता है। मैं ना तो शादी के विरुद्ध हूं और ना ही सच्चे प्यार के विरुद्ध हूं। नहीं, अगर आपकी कोई प्रेमिका है या आपका कोई प्रेमी है जिससे आप बहुत सच्चा प्यार करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं तब मेरे भाई तुम मेरे वीडियोस को बिल्कुल भी मत देखो। तुम्हें ये बकवास वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम अपने प्यार को निरंतर बढ़ाते चलो, अपने प्यार पर ध्यान दो, उसे विशाल बनाओ और उसे पवित्र करो। हम जैसे कि वीडियो मत देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें सच्चा प्यार है तो उसे और विशाल करो, उसे और पवित्र बनाओ, उस इंसान की और कदर करने की कोशिश करो, उसे संसार का हर सुख देने की कोशिश करो। और अगर खुशी के लिए उसे त्यागना भी पड़े तो अपने अंदर त्यागपन भी लाने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे भाई मैं प्यार के और विवाह के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूं। ये प्रकृति का सबसे पवित्र रिश्ता है। अगर इस संसार में सबसे मिठास भरा अगर जीवन जीना है तो प्रेम को समझना ही होगा, अपने अंदर प्रेम पात्र को बढ़ाना होगा। और अगर आप एक गृहस्थ परिवार में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो अपनी वाइफ को बेहतर से बेहतर प्यार देने की कोशिश करो, बेहतर से बेहतर उनकी कदर करने की कोशिश करो। और अगर आप वाइफ हो तो अपने पति को गहरे से गहरा प्रेम करना सिखाओ। यही संसार का सबसे मिठास भरा जीवन है, फिर उसमें वासना का कोई नामात्र नहीं रहेगा। मेरी बातें बड़बोली लग सकती हैं तुम लोगों को, लेकिन मेरी बातों का संकेत कहाँ है, अगर वो समझ में आ गया तो तुम मुझ पर सवाल उठाने से पहले खुद ही जवाब निकाल लोगे। मैंने ये नहीं कहा कि तुम अपने सच्चे प्यार को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, सबको छोड़ छाड़ कर साधु संन्यासी बनकर पहाड़ों पर चले जाओ या बाबा बनकर किसी आश्रम में रहना शुरू कर दो। ये कभी भी ब्रह्मचर्य नहीं है। वासना की अगर तुम्हें काट चाहिए, वासना को अगर जड़ से खत्म करना है, तो प्रेम के पौधे को विशाल वृक्ष बनाना होगा, तभी तुम्हें पवित्र छाया मिल पाएगी। मुझे नहीं पता बाकी सब लोग तुम्हें क्या सिखा रहे हैं, बाकी सब बाबा तुम्हें क्या बता रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, मुझे नहीं पता। लेकिन वासना से अगर जीत पानी है, उससे मुक्ति चाहिए, तो उससे भागना नहीं, समझना है, सिर्फ अपने प्रेम के वृक्ष को विशाल करना होगा। बस सिंपल सा पॉइंट है और सिंपल सा सत्य है। उसके बाद तुम्हें हम जैसे कि किसी की भी वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारी बातें तुम्हें खोखली लगना शुरू हो जाएगी जब तुम्हारे अंदर प्रेम का पात्र बहुत विशाल हो जाएगा, प्रेम का रस भरा होगा, तब तुम्हें जरूरत नहीं होगी हम जैसों की। और मैं उन व्हाट्सएप वाले भाइयों से सभी से कहना चाहता हूं कि अगर कोई नया भाई तुम्हारे बीच में आए उस ग्रुप में, तो उन्हें यह सलाह मत दिया करो कि अपने सच्चे प्यार को छोड़ दो, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, अपने प्रेमिका को छोड़ दो या अपनी पत्नी को छोड़ दो।
ये बिल्कुल किसी को सलामत दो, तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि तुम इस प्रकृति के नियम को तोड़ो, तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि तुम दूसरों की जिंदगी को तबाह करने में लग जाओ। अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी मत मानो कि तुमने एक साल, दो महीने, छह महीने अगर खुद के वीर्य को रोक लिया तो तुमने जीवन को समझ लिया। अगर जीवन में जीना है तो प्रेम ही सबसे एकमात्र ताकत और पवित्रता है। इसके विपरीत तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम कहीं भी जाकर देख लो, हर चीज की जड़ में तुम्हें प्रेम ही मिलेगा। चाहे तुम भक्ति में चले जाओ, अध्यात्म में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ इस वासना से भागने के लिए, सबकी जड़ में तुम्हें प्रेम ही मिलेगा। मेरी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है और आप सबसे मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि मैं गृहस्थी के, सच्चे प्यार के और पति पत्नी के विरुद्ध नहीं हूं। यही तो जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता और यही तो जीवन की सबसे बेहतरीन मिठास है। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर कर सकते हो, वैसे मैं जानता हूं शेयर नहीं करोगे, बस हाँ कुछ मेरे भाई हैं जो शेयर कर दे हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।